कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 572 नए मामले सामने आए हैं। स्थिति में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 34 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में 2261 है। इनमें से 2089 व्यक्ति होम आइसोलेशन में है और कुछ अभी असाइनमेंट की प्रक्रिया में है, अर्थात 2100 से भी अधिक व्यक्ति होम आइसोलेशन में इस समय है। विगत 24 घंटों में कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है और हॉस्पिटलाइजेशन भी इस समय बहुत ही कम है। अब तक कुल मिलाकर 16,87,930 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और कल की पॉजिटिविटी रेट 0.4% के पास रही है, जो पिछले 20 दिनों में हमने देखा है कि इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। इन्फेक्शन तेजी से बढ़ा है और इसी कारण से जो हमारे एक्टिव केस की संख्या है वो आज 2000 के पार हो गई है। लेकिन जहां तक हॉस्पिटलाइजेशन का सवाल है, वो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ये बिल्कुल ही मिनिमम है। आगे आने वाला संक्रमण के बारे में और हमें बताएगा। कल प्रदेश में 1,47,851 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 9,34,34,911 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए प्रयोगशालाओं को 75,935 सैंपल्स भेजे गए। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी प्रारंभ हो गया। इसके लिए केवल कोवैक्सीन का प्रयोग अभी किया जा रहा है। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में शुभारंभ किया और इस समय जो हमारा लक्ष्य है 15 से 18 साल के बच्चों का, वो लगभग 1.4 करोड़ का है। ये इतना बड़ा कोहोर्ट है जिसका वैक्सीनेशन किया जाना है। 12,84,94,516 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो एलिजिबल पॉपुलेशन का 87.16% होता है। और चूंकि हमारे बहुत सारे लोग हमारे प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में भी अपने रोजगार के सिलसिले में रहते हैं, इसलिए ये प्रतिशत वास्तव में 87% से बहुत ज्यादा बैठेगा। वैसे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से अब तक 87.16% को पहली डोज और इनमें से 7,40,93,819 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है, जो कि एलिजिबल पॉपुलेशन का 50.26% है। कल तक कुल मिलाकर के 20,25,88,335 डोजेस लगाई जा चुकी थी। कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या में जो पुनः वृद्धि हो देखी जा रही है, उसके दृष्टिगत देश में पूरी तैयारी की जा रही है और इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार आज और कल 3 और 4 जनवरी को पूरे प्रदेश में फुल रिहर्सल किया जा रहा है। जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट हैं, जितने भी वेंटिलेटर्स हैं, हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, HFNC है, बाईपैप मशीन्स हैं, इन सब को चलाकर देखा जा रहा है। जो हमारा
मैनपावर है, जनशक्ति है, उसका आकलन किया जा रहा है, उनके ट्रेनिंग का आकलन किया जा रहा है और होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल के अनुसार क्या कार्रवाई फील्ड में हो रही है और जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में क्या होगी, इसकी लगातार आज और कल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों में भेजा गया है जहां पर ये कार्य किया जा रहा है। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब हमें बहुत अनुभव है, जानते हैं कि कौन सी सावधानियां बरतकर हम कोविड के संक्रमण से बच सकते हैं। तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह ढक कर रखिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ऐसी किसी भी जगह पर न जाएं जहां भीड़ भाड़ हो, अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें और ऐसे आयोजन भी न करें जिसमें कि भीड़ भाड़ इकट्ठा हो। किसी प्रकार की दुविधा हो तो आप हमारे विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।